हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ डेली वर्कशीट वर्कशीट नंबर थर्टी वन एंड इट इज ओनली फॉर क्लास एट स्टूडेंट्स इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट साइंस एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यू द चैप्टर लाइट इन दिस वर्कशीट सो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में भी हम लाइट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे वो क्या है वो अभी नहीं बता रहा जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा और वाकई जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपको भी पता चलेगा जो मूवीज़ हम देखते हैं ना उसके पीछे आखिर क्या राज है उसको हम कैसे देख पाते हैं चलता हुआ सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी वी ऑल नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ऑन द रेटीना देखिए हम सबको पता है जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं फ्रॉम द रेटीना आपको पता है कि बेशक से अगर हम उस इमेज को अपनी आंखों से हटा भी लें तो उसकी इमेज एकदम हमारे रेटिना पर से नहीं हटती है, है ना मजेदार बात इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट वन बाय सिक्सटीन ऑफ अ सेकेंड यानी वो एक बटा सोलवे सेकेंड तक वो इमेज हमारी रिटिना पर बनी रहती है अगर हम उस ऑब्जेक्ट को हटा भी लें तब भी सो इफ स्टिल इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट सिक्सटीन और रेट फास्टर देन सिक्सटीन पर सेकेंड देन द आई विल एक्सपीरियंस दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक अ मूवी तो देखिए अगर आप किसी ऐसे जो इमेजेस हैं जो मूविंग इमेजेस हैं उनकी स्टिल इमेजेस कहने का मतलब है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है मान लीजिए से बॉल बैट से लगकर बॉल जो है वो बाउंड्री की तरफ जा रही है अब इसकी आप केवल स्टिल इमेजेस ले लें ठीक है कि पहले बॉल जो है बैट से लगी फिर उसके बाद थोड़ी सी आगे गई थोड़ी सी आगे गई तो स्टिल इमेज भी और अगर आप उनको 16 इमेजेस को एक सेकंड में एक साथ देखते हैं ना तो आपको लगेगा कि वाकई वो बॉल मूव कर रही है जैसे कि मूवी हो कोई जैसे आपने वो फ्लिप बुक देखी आजकल एक फ्लिप बुक आती है उसमें वो ऐसे ही बना होता है आप उसको जब बहुत जल्दी जल्दी उसको करते हैं ना तो फिर क्या होता है ऐसा लगता है कि बॉल जो है वो वाकई मूव हो रही है ऐसा भी होता है है ना तो इस तरह हमें लगता है कि जैसे मूवी चल रही है अब इसी चीज को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एक्टिविटी तो हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं सो व्हाट इज द एक्टिविटी टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड विद डायमेंशन बिटवीन द रेंज ऑफ सिक्स टू एट सेंटीमीटर्स यानी आप एक छह से आठ सेंटीमीटर वाला एक डायमेंशन वाला एक कार्डबोर्ड ले सकते हैं उसका एक टुकड़ा उसके बाद है कि मेक टू होल्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट एच ऑफ द कार्डबोर्ड एंड इंसर्ट अ स्ट्रिंग पासिंग थ्रू द टू होल्स जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इस इमेज में भी बना हुआ है लेफ्ट और राइट right पर दो होल बनाएं और उसमें से एक स्ट्रिंग यानी धागा डाल दें फिर इसके बाद क्या करना है पेस्ट अ केज ऑन फ्रंट साइड ऑफ़ द कार्डबोर्ड एंड अ बर्ड ऑन द फ्लिप साइड तो आप क्या करें कि उसके एक तरफ तो एक केज यानी पिंजरा बना दें और ठीक उसके बिल्कुल पीछे एक वर्ड बना दें ठीक है अब क्या करना है होल्ड द स्ट्रिंग फ्रॉम बोथ साइड्स एंड ट्विल्ड द स्ट्रिंग मैनी टाइम्स और आप उनको जो स्ट्रिंग को दोनों साइड से पकड़ लें और उसको ऐसे मतलब उसको खूब तेज तेज घुमाएं ठीक है ट्विल करें ठीक आफ्टर दैट जैसे बल पड़ना बोलते हैं ना जैसे उसमें बल पड़ जाते हैं आफ्टर दैट रिलीज इट वाइल डूइंग द अबव स्टेप वी सी द कार्डबोर्ड मूविंग फास्ट विच क्रिएट्स द एल्यूजन दैट द बर्ड इज़ इनसाइड द केज और जब वो एकदम तेज़ी से के साथ खुलेगा ना आप जोर से उसको खोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत तेज़ी से फ्लिप करेगा और आपको ऐसा लगेगा कि वो बर्ड केज के अंदर है जबकि ऐसा तो नहीं है ना हमने तो दोनों अलग अलग चित्र बनाए लेकिन हमने देखा कि जब वो बहुत तेज़ी से मूव करेगा तो क्या होगा हमें ऐसा एल्यूजन होगा भ्रम होगा कि बर्ड जो है वो इन द केज है तो यही मूवीज़ के साथ भी होता है Do you know the same phenomenon happens while we watch movie clip where more than 24 images are flipped in a particular order in ऑर्डर second? और क्या आप जानते हैं बिल्कुल यही जो चीज़ है वो हम मूवी देखते समय तब भी ऐसे ही होता है उसमें क्या होता है जहाँ पर 24 से ज्यादा इमेज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक सेकंड में आपकी आँखों के आगे से पास थ्रू होती हैं दिस कन्फ्यूज the द आइज टू बिलीव वी आर वॉचिंग movie. और ये हमारी आइज को कन्फ्यूज़ कर देता है और हम ये सोचने लगते हैं कि हम एक मूवी देख रहे हैं एक चीज़ को चलते हुए देख रहे हैं अब आपको समझ में आए और आप देखो आप जब उसकी कई बार जो पहले कैमरा आता था ना उसकी रील इस तरीके से होती थी और उसमें क्या होता था हर एक मोमेंट की स्टिल इमेज होती है जिसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलाया जाता है और एक सेकेंड में 24 से ज़्यादा इमेज तो हमें यही लगेगा कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट है अब आपको समझ में आया कि कैसे हम मूवी देखते हैं नाउ चेक योर सेल्फ फर्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन विच पार्ट ऑफ आई यानी आई के किस पार्ट पर इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो बहुत ईजी आंसर है दैट इज रेटीना फिर सेकेंड क्वेश्चन हाउ लॉन्ग ज द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटीना यानी कितनी देर तक रेटीना पर उस इमेज का इंप्रेशन रहता है बहुत ईजी है अभी अभी हमने समझा वन बाई सिक्स सेकेंड आपने ऐसे ही लिखना है दिस इज योर आंसर थर्ड इज हाउ आर वी एबल टू वॉच मूवीज बहुत ही ईजी है कि हम मूवीज कैसे देख पाते हैं तो आपने क्या लिखना है यहां से लिखना है वी वॉच आंसर नंबर थ्री आपने कैसे लिखना है वी वॉच अ मूवी क्लिप वे आर मोर देन ट्वेंटी फोर इमेजेस आर फ्लिप्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन वन सेकेंड दिस कन्फ्यूज द आई टू बिलीव वी आर वॉचिंग मूवी यहां तक आपने इसको लिखना है दिस इज योर आंसर नंबर थ्री नाउ क्वेश्चन नंबर फोर हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आईज राइट फोर मेजर्स हम अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं उसके लिए चार उपाय लिखने हैं बहुत ही ईजी है लेट्स सी द For me four measures. First measure is we should not study in very low and very bright light. इट मे कॉज आई और हेडेक यानी हमें बहुत कम लाइट में भी और बहुत ब्राइट लाइट में भी नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है या हमें सर में दर्द कर सकता है फिर रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ आर आई शुड बी डन इफ़ द डॉक्टर एडवाइज यूज़ ऑफ ग्लासेज वन शुड डू द सेम यानी आप अपनी आंखों की नियमित रूप से जांच कराते रहना चाहिए और डॉक्टर एडवाइज़ करें चश्मा पहनने के लिए तो वो भी हमें करना चाहिए थर्ड इज डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन फ्लैश लाइट और लेजर लाइट इट कैन डैमेज द रेटीना हमें कभी भी सन की तरफ या फ्लैश लाइट यानी टॉर्च की तरफ या लेजर लाइट की तरफ डायरेक्टली देखना चाहिए क्योंकि ये हमारे रेटिना को डैमेज कर सकता है फोर्थ इज वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर एटलीस्ट थ्री टू फोर टाइम्स डे यानी दिन में कम से कम तीन से चार बार अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं और पांचवा है कि कीप द बुक एट नॉर्मल डिस्टेंस फाइल रीडिंग पढ़ते समय बुक को एक नॉर्मल डिस्टेंस पर रखें इफ कैप टू क्लोज और टू फार अवे आई डैमेज कैन अकर अगर आप उसको बहुत ज्यादा पास रखते हैं बहुत ज्यादा दूर भी रखते हैं तो भी हमारी आई जो है हमारी आंखें खराब हो सकती हैं सो नाउ देट सॉल्व फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास उसको ज्वाइन करना ना भूलें जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऐसा करने से आपको सारी वीडियोज के वर्कशीट के वीडियोज के लिंक एक जगह ही मिल जाएंगे बट रिमेंबर वैन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच